कंटेस्टेंट हम हुआ करते थे तो आई कैन अंडरस्टैंड अभी जो हर कंटेस्टेंट के मन में चल रहा है, बट मेरे तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज होगा, बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो यू आर द बेस्ट, आई हैव बीन देयर, आई नो हाउ इट लुक्स एंड ट्रस्ट मी यू विल गो थ्रू दिस। तो क्या टिप्स आप देना चाहोगी कंटेस्टेंट्स को अपनी तरफ से? टिप्स के ड्रेसिंग एंड मेकअप से ज्यादा ब्यूटीफुल इफ यू वेयर योर कॉन्फिडेंस, आई थिंक वही चीज़ आपको आगे ले जाएगी, नॉट ओनली फॉर दिस बट फॉर योर करियर ऑल्सो। आई थिंक कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट आउटफिट अ वुमन कैन वेयर। एंड व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस शो, क्या कहना चाहोगे आप, कितना हौसला मिलता है इस तरह के शोज से? एक्चुअली जो ये ऑर्गेनाइजर्स होते हैं दे एक्चुअली पुश द फ्रेशर्स एंड न्यू कमर्स टू बिकम समथिंग एंड डू समथिंग, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग यू ऑल आर डूइंग, हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे ऑन दिस डे एंड हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। सो वर्क फ्रंट के बारे में आप थोड़ा सा बता दो आपके? मेरी एक वेब सीरीज आ रही है आईमैक्स टीवी के साथ जिसका नाम मिसिंग है, व्हिच इज गोइंग टू बी रिलीज ऑन गणपति इन सितंबर। So do watch, that's it. You all will know very soon. I can't disclose a lot right now. And इस तरह के जो shows करने के बाद जो लोग निकलते हैं लड़की लड़कियाँ, उनके लिए आप क्या message देना चाहोगे? What can they say? उनके लिए यही होगा, देखो सर कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग बढ़ नहीं पाते हैं। So again यहाँ पे एक ही चीज़ जाती है, that just be yourself and just go. Don't stop. इट्स नॉट दी एंड, अगर आपके लिए दरवाजा खुला है तो कोई रीजन के लिए खुला है, नहीं तो नहीं खुलता। सो जस्ट फाइंड दैट रीजन एंड गिव योर बेस्ट। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एज अ गेस्ट ऑफ जज के रूप में वंस अगेन आई एम ओवर हियर इन सेम मीडिया सेम, सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा हमें हर इवेंट में कैप्चर करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजर को शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। किसी टाइम में मैं टेबल के उस पार हुआ करती थी, हालांकि मैंने काफ़ी शोज जजिंग की है, बट जब हम कंटेस्टेंट होते हैं तो हमारी जो एक फीलिंग होती है वो अलग होती है, और जब हम जजिंग के रूप में आते हैं तो फीलिंग अलग होती है। तो मैं उन लोगों की, उन स्टूडेंट्स की फीलिंग को बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ यहाँ इस टेबल पर बैठ के। तो उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप जब भी स्टेज के ऊपर या प्लेटफॉर्म पर आएँ तो अपना कॉन्फिडेंस लेके आएँ, अगर वो आपके पास है तो आप कोई भी शो में, विनर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट अपनी जगह बना सकते हैं। ये जर्नी कितनी आपके लिए मुश्किल रही कंटेस्टेंट टू जज? मेरे लिए मेरी जर्नी 2017 से शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है, अभी तक मैं किसी मुकाम पर वो अपने आप को नहीं देख पाई हूँ। मैं भी आने वाले सालों में काफ़ी कुछ करूँ, हालाँकि मैं बॉम्बे में पिछले 1.5 साल से ही हूँ,
सो इस 1-1.5 साल में मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, और यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग अपने कॉन्फिडेंस को लेके आए और अपना बेस्ट दें। आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके दर्शक देख सकते हैं? जी, मैंने सो फार कुछ टीवी सीरियल्स किए हैं, नागेन एंड ये हैं चाहते विद स्टार प्लस एंड ऑल, और रिसेंटली मेरी एक मूवी 4 अगस्त को रिलीज हो रही है, सिर्फ मनी, तो आप जाइए थिएटर्स में ज़रूर देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि मैंने क्या किया है। और काफ़ी OTTs के लिए अभी मैं वर्क कर रही हूँ, नॉट टू बी डिस्क्लोज, सो दिस ऑल अबाउट। एंड इस तरह के जो शोज होते हैं मिस यूनिवर्स, इसके बारे में आपका क्या थॉट है, कितना इंकरेजिंग होता है? ये जो शोज़ होते हैं, ये जो अपकमिंग जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, जो आप लोग उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपनी जर्नी की शुरुआत यहाँ से कर सकें। और काफ़ी लोग कुछ सपने लेके आते हैं, काफ़ी के पूरे होते हैं, काफ़ी के नहीं होते, कोई निराश ना हो, आप दोबारा पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने खुद कई प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट किया, इवन स्टिल आई एम डूइंग सो, सो समटाइम चार्जिंग समटाइम पार्टिसिपेशन, सो दे जर्नी चलती रहेगी, तो कभी भी निराश ना हो। आपके लिए डोर्स आर ओपन, प्लेटफॉर्म इज ओपन, गो एंड फील फ्री टू फ्लाई। और कितना मुश्किल होता है एज अ जज जो अपना रोल प्ले करना है? मुश्किल बहुत होता है, बिकॉज जब हम यहाँ पर होते हैं तो हमारे लिए सब लोग अपनी जी जान लगा रहे होते हैं उस प्लेटफॉर्म पे स्टेज के ऊपर, तो हम कहीं पे भी बायस नहीं हो पाते कि हम उनके लुक्स को देख के उनको नंबर दें, या उनके ड्रेसिंग को देख के उनके नंबर दें, या उनकी खाली वॉक को देख के, या वो ब्यूटीफुल है। हमें ऑल ओवर सारी चीज़ों को फिगर आउट करके फिर एक डिसीजन पे आना पड़ता है, और जो भी बेस्ट सभी हैं, लेकिन किसी चीज़ किसी इंसान में कोई अलग हट के बात होती है, तो हम उसको कैप्चर करते हैं और नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका देते हैं। थैंक यू सो मच। ऑडिशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहूँगा? ये हमारा सेकेंड ऑडिशन हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको जो हमने पोस्टर लॉन्च फॉर्म में भी किया तो बताया था कि हम इसका सिटी में लगभग 8 सिटीज में ऑडिशन हो रहे हैं, तो वी आर स्टार्टेड फ्रॉम पुणे, जो कि 18 को हमने किया था जून में। ये सेकेंड है हमारा बॉम्बे में, इसके बाद हमारा पंजाब है, बेंगलुरु है, और भी 7-8 स्टेट्स में हो रहे हैं। फिनाले इसका कब प्लान कर रहे हैं? ग्रैंड फिनाले जैसा पहले भी बताया था 16 सितंबर को अपना मुंबई के अंदर ही होगा। और शिल्पी जी भी आई हुई हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? शिल्पी जी एक मेहनती और काफ़ी उद्यमी महिला हैं, साथ में इन्होंने अपने मॉडलिंग के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की है और आगे आए हैं। इसके अलावा इनकी दूसरी भी उपलब्धि है जो कि फिटनेस के तौर पे, फिटनेस के तौर पे भी ये बहुत अच्छी ट्रेनर मानी जाती है, लोग केवल यहाँ ही नहीं लगभग पूरे भारत में इनको फिटनेस ट्रेनर के रूप में जानते हैं। सना भी आई हुई थी, उनको जज के रूप में आपने मतलब दिया है? हाँ जी, सना सूरी आज की उभरती हुई कलाकार हैं, जिन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स और कुछ वेब सीरीज में काम किया है, साथ में आगे भी वो काफ़ी कुछ करना चाहती हैं। तो चूंकि यूथ से रिलेटेड पूरा इवेंट है, क्योंकि मिस यूनिवर्सल इसका टाइटल है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ ऐसे जूरी भी मिले जो आज की डेट के हैं, जो आज अपने आप में आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वही उनके लिए एक रोल मॉडल होगा, क्योंकि शिल्पी जी हों या सना जी हों, ये आज के दौर के लोग हैं, अपना कैरियर आगे की ओर ले जाते हैं, तो इनसे उनको सीखने की प्रेरणा मिलेगी कि फ्यूचर में कैसे हम भी आगे जा सकते हैं जिस तरह से इन्होंने अपना मुकाम किया। शिल्पी जी, आप भी फिटनेस के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं फिटनेस से काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ, मैं सेलिब्रिटी योगा ट्रेनर हूँ मुंबई के अंदर, पहले काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया, मैंने 5,000 से ऊपर बच्चों को ट्रेन कर चुकी हूँ, नेशनल से इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन कराए हैं, मैं खुद भी एक योगा प्रैक्टिशनर हूँ, आज भी मैं योगा करती हूँ सुबह 2 घंटा। सो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी, चाहे ग्लैमर इंडस्ट्री से हो या उसके बाहर से हो, अपना फिटनेस लेवल बरकरार रखें। कुछ नहीं, आप चाहे आधा घंटा रोज़ दीजिए अपने आप को, योगा कीजिए, फिटनेस कीजिए, जिस तरीके की एक्सरसाइज आपकी बॉडी अडेप्ट कर सकती है, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, करिए ज़रूर। लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय निकालना पड़ता है, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हम सुबह 4 बजे 5 बजे जब बोलो तब उठ के ये सब कर सकते हैं, फिर अपनी क्लासेस लेते हैं, फिर अपना जो एक करियर है उसकी तरफ फोकस करते हुए ऐसे मुंबई में हम अपनी दिन को, एक दिन की शुरुआत करते हैं और उसका एंड करते हैं। सो सभी को यही है कि अपना एक्सरसाइज और डाइट बिल्कुल टाइम टू टाइम लीजिए। ओके, थैंक यू। मिस यूनिवर्सल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पेजेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर जो हम लोग स्टार्ट किए हैं,
जनरली देर आर प्लेटफॉर्म जो होते हैं, मतलब इंडिया के अंदर होते हैं, बाहर भी होते हैं, बट बहुत कम है जो यहाँ पे हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर. तो वी आर बेसिकली हैविंग लाइक यू नो दिस इज़ अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे से हम बहुत सारे मॉडलों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. ओके, स्पेशली द फ्रेशर्स. तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से मतलब दे कैन ग्रो एंड दे कैन गो अहेड इन देयर लाइफ, खास करके मॉडलिंग करियर में. तो आपकी जो कंपनी है उसके बारे में भी थोड़ा एलोबोरेट करें. यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस एंड फिल्म इज बेसिकली प्रोडक्शन हाउस. वी आर इनटू मोर ऑफ फिल्म्स एंड प्रोडक्शन इन इवेंट्स. अभी तक हम ज़्यादा करके इवेंट्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो संजीव जी के साथ कैसा कोलाबोरेशन है आपका? संजीव जी मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं और इनका प्रोडक्शन हाउस भी है, और हम साथ में मिलकर के हमने सोचा कि एक इवेंट है जो कि हम इसको फुलफिल करना चाह रहे हैं. हमारा दोनों का एक ड्रीम है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है. And once this is registered, like you know, it is going to be like you know, for years to come, it is going to be very big brand. और आज सना जी और शिल्पी जी भी आए हुए हैं, so क्या कहना चाहोगे as a guest और as a judge भी लोग बन गए. I am really happy and really thankful for both of the beautiful ladies. Okay, जो आप लोग ने अपना time निकाल के कीमती वक्त निकाल करके हमारे इस शो को हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग आए हैं, और यहाँ पे आप लोगों ने जो टाइम दे करके बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस हम लोग ने सोचा कि आप लोग यू आर द राइट प्लेस फॉर द जज ओवर हियर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर. शक्ति जी जैसे आप बोल रहे थे कि मैं अपने आपको कहीं मुकाम पे नहीं देख रहा हूँ, हम आपको देख रहे हैं, ऑलरेडी आप एक मुकाम पे पहुँच चुके हैं. बहुत जल्दी बाकी है. थैंक यू. यही तो कुछ फोटो ले स्टार्ट. नमस्कार, मैं विद्या लाटे कामई, नेशनल ग्रूमर, फैशन कोरियोग्राफर एंड वेस्ट इंडिया यूनिवर्स 2021 मेरा फर्स्ट थीम, मतलब शो थीम प्रोडक्शन ने एक अच्छे लेवल पे मिस यूनिवर्स 2023 इंटरनेशनल लेवल का ओनली फॉर मिस कैटेगरीज के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. यहाँ पे पूना ऑडिशन लास्ट मंथ में सक्सेसफुली डन हुआ, उसके बाद यहाँ पे मुंबई में आज हम आए हैं. यहाँ पे मिस कैटेगरी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस है यहाँ पे, देन उनको ग्रो करने के लिए मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है. तो सबके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.